Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, and I scored 647 in NEET 2019. So, crack NEET UG with India's largest learning platform, Unacademy, and what do you have to do now? Quickly download Unacademy Learning App download kar lo, so that you get daily live classes, structured courses, live tests and quizzes. Matlab, jahan pe aapko bahut hi ek interactive poll milega, acha sa analysis milega and unlimited access. Jisme aap jitni baar chahe, utni baar aap lectures dekh sakte. So you can try the free live classes and also we have the top educators jo bahut hi top medical colleges se hain aur top educators hain, wo yahan par padhate hain. And so the 12-month subscription plan is for 27,000 rupees, while the 24-month subscription plan is for 32,400 rupees. But if you use my code Ishita, you get an extra 10% discount. So आज हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारे PH के ऊपर बहुत different type of questions बनते हैं और बहुत लोगों को solve करने में वो problem आती है. तो हम क्या करेंगे? हम different types of questions जो PH में जिस तरह के question आते हैं, वो हम आज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप solve कर सकते हो best way में, और जिससे कि आपको जब भी question आए, तो आप confused ना हो कि इसमें आप कौन सा formula लगाना है और कैसे करें. तो हम start करते हैं. सबसे पहले पीएच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पीएच तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पीएच के लिए एक दो चीजें बिल्कुल ध्यान रख लेना कि पीएच कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और इवन मोर देन 14. ये सही स्टेटमेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ये सारी सच बात है, पीएच ये सब पीएच के बारे में ये सच है. अब उसके बाद पीएच का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें पता ही है कि फॉर एसिड के लिए हम क्या करते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस हम ले लेते हैं, ठीक है. और अगर हम पीओएच की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव. तो ये सबको पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है. अब हम देखेंगे कि इसकी वेरिएशन क्या है और कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो पीएच पे बन सकते हैं. तो सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए, तो वही जो अभी हमने देखा कि पीएच के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लॉग एच प्लस करेंगे. तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एसिड की बात की जाए जो कि स्ट्रांग है, या फिर किसी बेस की बात की जाए जो कि स्ट्रांग है, तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हम नॉर्मैलिटी का यूज करते हैं. नॉर्मैलिटी का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस का यूज करेंगे. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मोलैरिटी दी होती है और हम ये चीज भूल जाते हैं और फिर हम मोलैरिटी को यूज कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ एच प्लस. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड या फिर बेस, ठीक है. अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 10^-2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, पीएच उसका हमें बताना है. अब बहुत लोग क्या करते हैं, बस इसी को, इसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं, जबकि अभी ये हुआ है कि हमें नॉर्मैलिटी यूज करनी होती है. यहाँ पर नॉर्मैलिटी यूज करनी होती है पीएच के लिए. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली नॉर्मैलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन फैक्टर, क्योंकि यहाँ 2 है, 2H+ ये रिलीज करता है, तो 2×10^-2 आ जाएगी. फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग 2×10^-, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा. अब इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, उसमें भी आपको नॉर्मैलिटी का ध्यान रखना है, हमें मोलारिटी नहीं यूज करनी. नेक्स्ट टाइप करते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस मिक्स किए जाए, तो हम क्या करें. अब इसमें ध्यान रखना, या तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहे हैं अभी हम. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मैलिटी मान लो इसकी 1 दी हुई है, इसकी नॉर्मैलिटी 2 दी हुई है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 दिया है, V2 वॉल्यूम दी है, इसकी मिक्सचर की V1+V2 हो जाएगी, +V2 टोटल वॉल्यूम और नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर. हमें पता है कि हम H+ की जगह नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर यूज कर सकते हैं, तो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से. वो हम कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर V1+V2 इज इक्वल्स टू N1V1+N2V2 कर सकते हैं. हम यहाँ से N मिक्सचर निकाल लेंगे, तो N मिक्सचर हमारा आ गया N1V1+N2V2/V1+V2, ठीक है. अब हम ये नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर को हम यूज कर सकते हैं H प्लस या फिर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की जगह, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग एसिड्स का. पर ध्यान रखने वाली बात यह कि दोनों सेम होने चाहिए. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और फिर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा पीएच. तो बेसिक सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि न्यूट्रलाइजेशन होगी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो भी चीज वैल्यू ज्यादा है, मान लो यहाँ पे एसिड जो है उसकी जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है. तो क्या करेंगे, NaVa- NbVb / VaVb यहाँ पे,
तो ये हमारा नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर आएगा। ये भी बहुत सिंपल सा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, बेस ज्यादा हो तो NBVB माइनस NBVA कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज को यूज कर लेंगे आगे पीएच निकालने के लिए। तो ये तो हो गए सिंपल सिंपल कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। अब कभी अगर आ जाए वीक एसिड या वीक बेस, ठीक है, इन दोनों के बारे में आ जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ पीएच कैसे निकालेंगे, तो हमें मेजरली हमें क्या चाहिए, जो हमारा डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है वो यही था कि माइनस लॉग एच प्लस या माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, तो हमें ये चीज चाहिए। तो हम ये चीज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो कि जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम जब वीक एसिड या वीक बेस डिसोशिएट करते हैं, तो जो इक्वेशन बनती है उससे हम डायरेक्टली ये चीज भी याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं या शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि एच प्लस या ओ एच नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू सी एल्फा या फिर अंडर रूट के ए इंटू सी या फिर अंडर रूट के बी इंटू सी। ये तो आपको पता है कि बेस के लिए क्या बी के बी हो जाएगा और इसके लिए के हो जाएगा, तो इससे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप डायरेक्टली पीएच ही निकाल सकते हो। इससे तो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पता चल रही है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी आपको भी आगे बताऊंगा कि हम क्या फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज, अब इसी से जैसे हमने एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि 0.2 मोलर HCN है जो कि 80% डिसोसिएटेड है, तो पीएच बताओ। तो अब ये वीक एसिड है, ठीक है, और ये 80% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा यहाँ परसेंटेज मिल गया, तो हम क्या करेंगे 80/100 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 अल्फा। अब हमें पता चल गया था कि हम क्या कर सकते हैं, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, सी अल्फा से निकाल सकते हैं, सी अल्फा से निकाल सकते हैं, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और अल्फा हो जाएगा हमारा 0.8। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारी एच प्लस की वैल्यू आ गई तो हम पीएच को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ये वीक एसिड के लिए हो गया, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ लिया, मिक्सचर के लिए पढ़ लिया और न्यूट्रलाइजेशन भी हमने पढ़ लिया। अब हम एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए पीएच में, अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए या पानी ऐड कर दिया जाए, तो हम अगर पीएच का चेंज है वो कितना कितना होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी और बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप एकदम से अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन आपका बिल्कुल फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर हमें पीएच 1 से 2 में कभी भी कन्वर्ट करना है तो हम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लेंगे। अगर हमें 1 से 3 में कन्वर्ट करना है तो हम 10^2 टाइम्स इसको डाइल्यूट कर देंगे। अगर 1 से 4 में करना है तो हम क्या करेंगे, 10^3 हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे। सिमिलरली अगर 5 में करना है तो 10^4, फिर अगर हमें 6 में करना है इसको तो 10^5 हो जाएगा। पर अगर हमें 1 से 7 में करना है, अब आप खुद लॉजिकली सोचो कि किसी भी एसिड का अगर पीएच मान लो 1 दिया हुआ है तो उसको हम 7 पे अगर कर देंगे तो वो एक तरह से न्यूट्रल हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइटली अगर हम डाइल्यूट कर दें तब जाके वो न्यूट्रल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर ये ऐसी हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन एक मान के चल रहे हो, तो इसलिए इनफाइनाइटली बोलोगे। अगर हम ये बोलते हैं कि 1 से हम पीएच 7 पे लेके जा रहे हैं तो हमें कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो ये एक ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो, इससे आपका एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि पीएच 1 से 2 पे चेंज हो गया तो बताओ कितने लीटर हम पानी इसके अंदर ऐड करें या कितना इसको डाइल्यूट करें, तो ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पीएच अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का है तो हम कैसे पीएच निकालें। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगी, जैसे हम वेरी डाइल्यूट, हम यहाँ मान के चल रहे हैं 10^-6.4 से अगर कम है तो हम उसको मान के चल रहे हैं वेरी डाइल्यूट हो जाएगा वो, तो ये आप अज्यूम कर रहे हैं हम। अब मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 10^-7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। अब यहाँ पे जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, नॉर्मैलिटी मोलारिटी यहाँ सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 10^-7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम पीएच निकालते हैं, अगर हम पीएच निकालते हैं तो हम वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें लॉग 10^-7, तो यहाँ तो पीएच आ रहा है 7, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम HCl ले रहे हैं और उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो हमारा जो पीएच है वो न्यूट्रल आ जाए या बिल्कुल 7 जितना वाटर जैसा आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, अगर वेरी डाइल्यूट आपके पास आ गया, वेरी डाइल्यूट अगर ऐसा सोल्यूशन आ गया आपके पास, तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर होता है उसको भी हम कंसिडर यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम वाटर को कैसे कंसिडर करेंगे, हम जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको वहाँ यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पानी की भी करेंगे और HCl दोनों की करेंगे। तो यहाँ पे 10^-7 आ गया पानी के लिए, प्लस 10^-7 जो हमने HCl के लिए किया, तो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या 2×10^-7 आएगी। और जब आप फिर इसको यूज करोगे फॉर पीएच, जब हम इसको यूज करेंगे फॉर पीएच तो क्या आएगा, -log 2×10^-7, तो वो आ जाएगा आपका 7 -log 2।
तो ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.7। तो ये प्योर वाटर जैसा या प्योर न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे हमें वाटर का भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट एक सॉल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनका हमें पीएच दिया हुआ है, तो अब हम अगर हम लंबा मेथड यूज करें या लंबी प्रोसेस यूज करें तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली एच प्लस आयन्स निकालेंगे उसके अंदर या OH नेगेटिव आयन्स निकालेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको यूज करेंगे फॉर्मूला में। तो उससे एक ईजी ट्रिक ये है कि आप क्या करो, ये ध्यान रख लो फॉर्मूला कि 10^-A + 10^-B / V1 + V2, वेयर ए और बी क्या है, पीएच है। और इसमें भी ये चीज ध्यान रखना कि ऑफ डिफरेंट पी एच आर मिक्स, मतलब या तो एच प्लस होना चाहिए या ओ एच नेगेटिव, क्योंकि अगर दोनों हम मिक्स करते हैं, या तो आप ऐसे अगर आप ऐसे ले लो कि किसी एक का पी एच आपने एक किसी एसिड का पी एच ले लिया और एक बेस का ले लिया और फिर अगर आपने इस फॉर्मूला में यूज किया तो वो नहीं आंसर आएगा। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एसिड और बेस अगर हम ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है, तो उसका एवरेज है, ऐसा पी एच नहीं आ सकता। तो ये पी एच है अगर आपको दो एसिड्स का या फिर दो बेसिस का पी एच दिया हो तो हम उससे डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पीएच ऑफ मिक्सचर या OH प्लस नेगेटिव, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये ए और बी ऐसे वैल्यूज इसके अंदर आपको पुट करने हैं। चलो अब जैसे ये एग्जांपल दिया है कि पीएच 3 है, पीएच 5 है, ये दो एसिड्स होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो आपको क्या करना है, और मान लो ये एक एक लीटर है, एक एक लीटर आपको वॉल्यूम में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 10^-3 + 10^-5/2 कर देंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है वो हमारी आ जाएगी 5 × 10^-4। इसको फिर हम यूज करेंगे -log H+, और इससे फिर हमारा क्या आ जाएगा pH। तो एक बहुत ही इजी वे है, ये बहुत इजी मेथड है जिससे हम ये आराम से निकाल सकते हैं कि जो pH ऑफ मिक्सचर है वो डायरेक्टली पीएच की वैल्यू से ही निकाल सकते हैं, और लंबा मेथड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और शॉर्टकट मेथड है। अब अगर हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड दिया गया, पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब है कि जो एक बार में पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा है, जो डिफरेंट स्टेप्स में डिसोशिएट हो रहा है, जैसे H3PO4 की बात करते हैं तो एक बार वो डिसोशिएट होता है H2PO4 नेगेटिव में, फिर दोबारा डिसोशिएट होता है HPO42 नेगेटिव में, फिर उसके बाद वापस 3-4 प्रोसेसेस में स्टेप्स में क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो Ka1 आता है, Ka2 और Ka3 तीनों अलग आते हैं। अब अगर हमें ऐसे किसी एसिड का, अगर हमें किसी ऐसे एसिड का हमें क्या करना है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने पढ़ा था C-अल्फा हम ले लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं √K/C कर लेते हैं, √K into C कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम K लेंगे वो हम K1 लेंगे हमेशा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, K1 लेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3, तो हम Ka1 की वैल्यू ही यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है और इससे हमारा अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो यही आता है। तो आपको Ka1 ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए आपका हो गया, इससे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा वीक एसिड या वीक बेस। अभी मैंने वीक एसिड वीक बेस के लिए बताया था आपको कि आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली पीएच आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे। देखो अगर आपको डायरेक्टली पीएच निकालना है तो हमें ये पता था कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही थी हमारी, वो आ रही थी Ka into C, ये हमें सबको पता है। अभी हमने उसके लिए भी निकाल लिया जो हम बेस के लिए भी हमने निकाल लिया। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो H+ आयन जो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो K½ आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा C½, अगर हम इसको पूरा खोलते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसका लॉग ले लेते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं तो फिर आ जाता है हाफ लॉग के आ जाएगा यहाँ पे और आपका आ जाएगा लॉग सी, ठीक है ऐसे। अब इसको हम पूरे को जब सॉल्व करते हैं ना तो डायरेक्टली अगर आपको पीएच का फॉर्मूला चाहिए तो पीएच का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, जो आप डायरेक्टली मतलब पीएच आप निकाल सकते हो pKa - log of C, ठीक है। और सिमिलरली अगर POH की बात करें तो आ जाएगा ½ of pKb - log C, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी पीएच या पीओएच इससे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, पूरा लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना चाहते। उसके बाद आता है एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई एसिड दिया और उसको कॉन्जुगेट बेस दिया तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लो मैं HF मान के चलती हूँ, अब HF टूट गया F नेगेटिव और H+ में, ये पूरा टूट गया। अब क्या होगा कि हम अगर इसका इसकी हम K की बात करें, ठीक है, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर हम इसके के की बात करें तो हम क्या करेंगे F- और यहाँ पे ले लेंगे H+ और नीचे आ जाएगा HF, ठीक है।
अगर अब मैं फ्लोरीन मतलब कॉन्जुगेट बेस को पानी में वापस से डाल दूं तो फिर से मुझे एसिड मिल जाएगा, तो एफ नेगेटिव को अगर मैंने पानी में डाला तो एच एफ प्लस ओ एच नेगेटिव। अब इसका अगर हम केबी ले तो क्या आएगा, एच एफ आ जाएगा ओ एच नेगेटिव और आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, सिंपल है ये, बस हमने क्या किया के और केबी ले लिया दोनों का। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे के ए इंटू के बी अगर हमने किया तो एफ नेगेटिव एच प्लस नीचे आ गया आपका एच एफ। ठीक है, और इंटू अगर हमने कर दिया यहाँ पे ऊपर आ गया एच एफ, यहाँ आ गया ओ एच नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ आ गया फ्लोरीन नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो के ए इंटू के बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है एच पॉजिटिव और यहाँ आ रही है ओ एच नेगेटिव, तो ये आपका हो गया एक तरह से के डब्ल्यू। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि के ए इंटू के बी फॉर एसिड या कॉन्जुगेट बेस का पेयर होता है दैट इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब इससे हम डायरेक्टली पी के पी एच भी हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि पी के ए प्लस पी के बी की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। ठीक है, ये ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी एच के ऊपर क्वेश्चन आ गए कि कितने मतलब हम कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि अब वीक एसिड है तो हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम क्या करें, न्यूट्रलाइजेशन है तो हम क्या करें। तो अगर आपने ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक बार देख लिए और ये मेथड्स देख लिए तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे पीएच के। इसी तरह मैं आती रहूंगी यहाँ पे, मैं आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगी और डिफरेंट ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो आप इजीली जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको सही तरह से करने चाहिए। मैं खुद भी अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, मैं वहाँ पर भी क्लासेस ले रही हूँ केमिस्ट्री की, और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट बताती रहूंगी। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट, एंड सी यू ऑल।